हेलो ऑल, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एलटी सब फ्रेम, एसएफएन एंड एचएफएन। ये तीनों होते क्या हैं और क्या क्या डिफरेंसेस हैं, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब कोई भी कम्युनिकेशन स्टार्ट करने से पहले ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि जो ट्रांसमीटर और रिसीवर हैं वो सेम टेम्पो पे ऑपरेट होने चाहिए। यानी अगर हम टेक्निकली टर्म में बोलें तो ट्रांसमीटर और रिसीवर शुड ऑपरेट इन सिंक्रोनाइज मोड। दोनों सिंक्रोनाइज होने चाहिए जब भी कोई सेंड कर रहा है और कोई रिसीव कर रहा है। तो इसके अंदर तीन तरह के फ्रेम यूज होते हैं एलटी के अंदर। एक होता है सब फ्रेम, जो आपको पता ही होगा, 0 to 9 उसकी रेंज होती है, और जो वो सिंक्रोनाइज होता है वो पीएसएस और एसएसएस के थ्रू होता है। मतलब आप देखिए, नीचे 1 मिलीसेकंड का एक फ्रेम है तो उसके अंदर 10 सब फ्रेम हो सकते हैं, 0 से लेकर 9 तक के। तो वो ये रेंज इसने दिखाई है 0 to 9। अब जो सब फ्रेम होता है वो सिंक्रोनाइज होता है पीएसएस और एसएसएस के थ्रू, जो कि यहाँ पे हमने लिखाया हुआ है। जो ये सिंक्रोनाइज होता है, प्राइमरी सिंक्रोनाइजेशन सिग्नल एंड सेकेंडरी सिंक्रोनाइजेशन सिग्नल। मैक्सिमम टाइम इसका 10 मिली सेकेंड होता है, आपको पता ही है। ये सब फ्रेम, ये बेसिक सबको पता है होगा नॉर्मली। अब उसके बाद एक टर्म आती है एसएफएन, सिस्टम फ्रेम नंबर। अब ये होता है 0 to लेकर 1023 इसकी रेंज होती है, और ये मिप के थ्रू सिंक्रोनाइज होता है फिजिकल ब्रॉडकास्ट चैनल पे, और इसकी मैक्सिमम टाइम होती है 10240। और तीसरा होता है एचएफएन, हाइपर फ्रेम नंबर। एक हो गया एसएफएन सिस्टम फ्रेम नंबर, एक हो गया सब फ्रेम। अब देखिए, जब ये सब फ्रेम 0 to 9 हो जाता है, 0 to 9 मतलब इसकी रेंज खत्म हो जाती है, तब तो ये सब फ्रेम की जो वैल्यू है वो 1 बढ़ती है। जैसे 0 to लेकर 1023 तक है तो इसका 0 से 1 हो जाएगा, मतलब 1 SFN हो जाएगा जब ये 0 to 9 की साइकिल पूरी कर लेगा सब फ्रेम। और जो एचएफएन होगा, जब ये एसएफएन 0 to लेकर 1023 तक की पूरी साइकिल कर लेगा, तब इसके अंदर 1 बढ़ेगा, तो 0 से 1 होएगा एचएफएन। तो एक तरह से आप बोल सकते हैं सबसे कम लेवल पे सब फ्रेम है, उससे ऊपर लेवल पे एसएफएन है, देन एचएफएन है। और एचएफएन जो होता है वो सिर्फ 1 से सिंक्रोनाइज होता है, उसका मैक्सिमम टाइम है 10485760। तो सबसे पहले सब फ्रेम होगा, फिर एसएफएन होगा सिस्टम फ्रेम नंबर, देन फिर एचएफएन हाइपर फ्रेम नंबर। अब आप इसमें भी देख सकते हैं, तो जो एसएफएन है वो मिप के थ्रू सिंक्रोनाइज होता है। अब आप ये, आपने अगर मिप की आईज देखी हो तो उसके अंदर एक डाउनलिंक बैंडविड्थ होता है, एक पीएचआईसी कॉन्फिग, पीएचआईसी ड्यूरेशन या रिसोर्स, और एक इधर होता है सिस्टम फ्रेम नंबर। तो यहाँ से सिंक्रोनाइज होता है, तो ये पीबीसी चैनल के थ्रू जाता है, तो मिम में ये होता है। तो मिम में अगर आप ये वैल्यू देखोगे, इससे सिंक्रोनाइज हो रहा होगा। जो हमारे सेंडर और रिसीवर हैं या ट्रांसमीटर और रिसीवर हैं, वो सिंक्रोनाइज कर रहे होंगे एसएफएन मिब के थ्रू। अब देखिए, ये है एचएफएन हाइपर फ्रेम नंबर। अब इसमें क्या होता है, ये सिंक्रोनाइजेशन जो होती है वो होती है सिव1 के थ्रू। मतलब सिव1 के अंदर हाइपर फ्रेम एसएफएन की वैल्यू जो होती है वो आती है उसके अंदर, तो हाइपर फ्रेम नंबर सिंक्रोनाइज हो जाता है इसके थ्रू, सिव1 के थ्रू। तो ये तीन आपके सिंक्रोनाइजेशन के थे, एक तो सब फ्रेम हो गया, एक एसएफएन हो गया, एक एचएफएन हो गया। तो तीन टर्मिनोलॉजी आप ही ध्यान रखिएगा, सब फ्रेम, एसएफएन एंड एचएफएन। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और वीडियोस आपको शेयर कर सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।